हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोदी सरकार भले स्मार्ट सिटी को एक उपलब्धि के तौर पर भुना रही हो, लेकिन उनकी सरकार के सांसद इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से दुखी हैं। इस प्रोजेक्ट का दुखड़ा उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में जाहिर किया है। खबर मध्य प्रदेश के सागर से जुड़ी है, जहां कमलनाथ सरकार के एक साल पूरे होने पर सरकार सफलता का एक साल बेमिसाल मना रही है, तो विपक्ष पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ता कर सरकार की विफलता गिना रहा है। इसी को लेकर विपक्ष और सागर सांसद राज बहादुर सिंह ने सागर में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की थी, जिसमें सांसद राज बहादुर सिंह ने सागर के स्मार्ट सिटी में व्याप्त अनियमितता और लापरवाही को लेकर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि जिस सोच और जिस अंदाज से भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाया है, उस अंदाज में सागर हर मोर्चे पर स्मार्ट सिटी को लेकर असफल रहा है। जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का एक हमें स्वप्न दिखाया गया था कि स्मार्ट कुछ काम होंगे, कुछ बड़े काम होंगे, हम आपकी चिंता से भी और इस बात को हम लोगों ने बीच में जो हमारे विभाग के मंत्री उनको भी एक उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि हम लोगों ने कोई डिमांड की थी, लेकिन जब हम लोग उनके साथ बैठे तो इस चीज को जरूर हम लोगों ने बोला था कि जिस ध्येय को लेकर स्मार्ट सिटी का काम भारत सरकार ने शुरू किया था उसमें कोई बहुत ज्यादा। अब देखिए, भारत सरकार की तरफ से जब ये पूरी योजना धरातल को उतारी थी तो उन्होंने इसको एक कंपनी का स्वरूप दिया और उस कंपनी को माध्यम से वो काम करा रहे हैं। इनकी जो आप जिसको बात कर रहे हैं कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, तो मॉनिटरिंग का पूरा जो जिम्मा है वो नगरीय प्रशासन के पास है। नगरी प्रशासन विभाग के जिनका आप नाम ले रहे हैं, आदरणीय मंत्री जयवर्धन जी का, जयवर्धन जी भी अभी बीच में आए थे, उनने भी उनके साथ एक मीटिंग की, अभी भोपाल में भी सीएस के साथ भी एक बैठक, इन लोगों को सबको बुलाया था, उसमें कलेक्टर भी गई थी और जो आपके स्मार्ट सिटी के सीईओ है ये सब लोग गए थे। तो इसकी जो मॉनिटरिंग है वो मॉनिटरिंग नगरी प्रशासन विभाग के पास है, प्रशासन विभाग को मॉनिटरिंग करना चाहिए। इस कारण वो दुखी है। वही सांसद ने कमलनाथ सरकार के एक साल को विफल सरकार करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने इस एक साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया है। युवा बेरोजगारी भत्ता, किसान कर्ज माफी, सड़क, पानी, बढ़ते बिजली के बिल के साथ किसान यूरिया और फसल बर्बाद के बाद मुआवजा को लेकर तरस रहा है, जो उसे अभी तक नहीं मिला है। कोई सफलता एक वर्ष में कांग्रेस की सरकार की नहीं है और एक झूठा प्रचार प्रसार करके वो एक श्रेय लेने का जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उसी विषय पे आप सब लोगों से बातचीत करने के लिए आपको निमंत्रित किया है, आपको आमंत्रित किया। आज एक भी कोई युवा बता दे कि युवाओं के लिए जो बेरोजगारी भत्ता की घोषणा हुई थी सरकार ने कहीं किसी युवा को दिया? मोदी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, तो आज कन्या के लिए बोला हम 51,000 रुपए देंगे। आज आपकी सागर जिले का मैटर है, पंडित गोपाल भार्गव जी के क्षेत्र में 1100 शादी हुई थी, आज अनशन करने की घोषणा कर रहे हैं कि अनशन करेंगे दूल्हा दुल्हनों के साथ, इससे बड़ा फेलियर हो सरकार क्या हो सकता है? तीसरा काम होता है किसानों के कितने बड़े मैटर, किसान को छोड़ के आपका बरसात में आपकी पूरी की पूरी फसलें किसानों की खराब हुई हैं, आज एक किसान को यदि मुआवजा मिला हो तो वो बता दो, किसान को छोड़ कर यही तो जनता की समस्या है ना। बहरहाल सियासत के इस फार्मूले में हर अंदाज में विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है, तारीख दर तारीख भी है, बताती दिखी है कि सरकार की अपेक्षा विपक्ष की भूमिका में भाजपा को सियासत की हर अदा आती है। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9827137475 9999376776।